ये पूरा मामला एक नाटक है और घटना को अंजाम देने वाले असली अपराधी अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। ये देखकर अच्छा लगता है कि बाहरी लोग हम पर निर्भर होकर इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन हम अकेले नहीं टिक सकते। संजय रॉय को बलि का बकरा बनाया गया है। इसके साथ ही अधिकारी चाहते हैं कि हम इसे भूल जाएं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो खुलासा हुआ है कि महिला डॉक्टर पर एक नहीं बल्कि दो या तीन लोगों ने हमला किया था। ये कौन हो सकता है, आपको क्या शक है? उसका परिवार काफी ऊंचे पदों पर है, मैं नाम नहीं ले सकता नहीं तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। दुख होता है सोचकर कि मेरे अपने बैचमेट ने ऐसा किया है। अब उसे बचाने के लिए कई खेल खेले जा रहे हैं। आरजी कर कॉलेज से कुछ भी उम्मीद ना करे, आरोपी को छिपाया जा रहा है। ये सब हम नहीं कह रहे हैं, ये है कॉल रिकॉर्डिंग आरजी कर मेडिकल कॉलेज के एक इंटर्न और दूसरे अस्पताल के पीजीटी डॉक्टर के बीच की। इसमें इंटर्न कहता हुआ नजर आ रहा है कि पूरा मामला नाटक है, असली अपराधी अभी भी बाहर घूम रहा है। हालांकि क्राइम तक इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता क्योंकि ये ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि इस ऑडियो की जांच होनी चाहिए, अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई छिपी है तो लेडी डॉक्टर का केस पूरी तरह से पलट जाएगा। इस ऑडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर बवाल मच चुका है और सब यही मांग कर रहे हैं कि इस ऑडियो की जाँच होनी चाहिए। इसके अलावा एक सवाल और उठ रहा है कि इतनी घिनौनी और खतरनाक वारदात को कैसे एक अकेला आदमी अंजाम दे सकता है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने भी इस बात की ओर इशारा किया कि किसी का गला घोटने के लिए दो हाथों की ज़रूरत होती है और जिस तरह से महिला डॉक्टर का गला घोटा गया उसमें एक से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें आरजी कर मेडिकल कॉलेज के सेमिनार हॉल में 9 अगस्त को डॉक्टर की लाश मिली थी। शरीर के कई अंगों पर चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके साथ हुई हैवानियत पर खुलासा हुआ है। डॉक्टर के साथ कई बार रेप हुआ था। इसकी रिपोर्ट रेप के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को 10 अगस्त को अरेस्ट किया था। कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता पुलिस से इस केस की जांच लेकर सीबीआई को सौंप दी थी। ब्यूरो रिपोर्ट क्राइम तक।